जी हाँ, आज हम लेके आ चुके हैं कैसा वीडियो जिसमें हम फाइट कराने वाले हैं दो ऐसी रिमोट कंट्रोल कारों की जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसमें से एक है हमारी विंटेज कार, बाकी दूसरी वाली है हमारी महिंद्रा की थार। तो दोनों ही कारें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि हमें आगे भी आप सभी के लिए नए नए वीडियोज़ बनाने का उत्साह भी मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं अपनी महिंद्रा थार से, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये रही हमारी महिंद्रा थार। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये हमें मिली है ओनली 500 रुपीज की। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग लिखा हुआ है सुपर रेसिंग कार, बाकी यहाँ पर तो इसका प्राइस 1499 रुपीज लिखा हुआ है, पर ये हमें मिली है ओनली 500 रुपीज की। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये रही हमारी महिंद्रा थार, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो हमारी थार भी बाहर आ चुकी है, और अपने रिमोट को भी बाहर निकाल लेते हैं और डिब्बे को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये रहा इसका रिमोट, जो इस वाली थार के साथ में मिल जाता है। बाकी इधर देख सकते हैं आप सभी लोग पीछे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, और यहाँ पर है स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन, और यहाँ पर हमें दो ही सेल डालने होते हैं। बाकी ये आगे पीछे जाने का बटन और ये दाएं बाएं जाने का बटन, और यहाँ पर एक लाइट भी है। जब हम इसे आगे पीछे ले जाते हैं तो यहाँ पर ये वाली लाइट भी जलती है। और ये रही हमारी मेनली महिंद्रा थार, देख सकते हैं क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4x4, ऊपर देख सकते हैं कि स्टार का निशान भी बना हुआ है। बाकी पीछे से देख सकते हैं कुछ ऐसी लगती है ये वाली कार, और इधर से कुछ ऐसी लगती है। सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग हेडलाइटें भी दे रखी है जो ब्लू कलर की हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नीचे से देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक मिल जाता है। बाकी यहाँ पर है इसका स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन, और यहाँ पर रखी है इसकी मोटर। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और अपनी विंटेज कार को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस वाले डिब्बे पर ये वाली विंटेज कार रेड कलर में बनी हुई है, और यहाँ पर 1:20 की स्केल पर बेस्ड मिल जाती है ये वाली विंटेज कार। और यहाँ पर क्लासिक विंटेज कार भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसके कई सारे मॉडल्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन भी मिल जाती हैं। बाकी चलिए हम इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हमारी विंटेज कार भी बाहर आ चुकी है। बाकी इसकी फुल अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप सभी को देखनी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, हमें एक छोटा सा चार्जर भी इसमें फ्री मिल जाता है, जिससे हमारी बैटरीज चार्ज होंगी। बाकी ये रहा इसका छोटा सा रिमोट, देख सकते हैं आप सभी लोग। बाकी ये रही हमारी ब्लू कलर में विंटेज कार, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो पहला स्क्रू हमारा खुल चुका है, और ये दूसरा भी खुल चुका है, और हमारी कार बाहर आ चुकी है। इस वाले डिब्बे को रखते हैं साइड में। बाकी अगर हम बात करें इस वाली कार की क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप सभी को सच में वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ये वाली कार आगे से देखने में कुछ ऐसी लगती है, साइड से देखने में कुछ ऐसी लगती है, और पीछे से देखने में कुछ ऐसी लगती है। बाकी वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। वीडियो में हम थग ऑफ वॉर भी करने वाले हैं, बाकी बहुत सारी इसकी फाइटें कराने वाले हैं दोनों की। तो कई सारी ऐसी भी टेस्टिंग होंगी जो पहले आप सभी ने कभी नहीं देखी होंगी। बाकी यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन और देख सकते हैं आप सभी लोग, इसके दोनों गेट भी खुल जाते हैं इस वाली महिंद्रा थार के। तो इन्हें बंद कर देते हैं, और चलिए इन दोनों में सेल डालकर भी देख लेते हैं। भाई यहाँ पर टेस्टिंग करते हुए नहीं बन रहा, चलिए चलते हैं आउटडोर और आप सभी को अच्छी अच्छी टेस्टिंग दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं।
चलिए करा लेते हैं इन दोनों की रेस और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कार होती है विनर। तो चलिए इस वाले रिमोट में बटन को टैप करते हैं, 1, 2 और 3। भाई चलिए करा लेते हैं करी टेस्ट और अपनी रिमोट कंट्रोल थार के ऊपर रख लेते हैं इस वाली विंटेज कार को और देखते हैं कि ये वाली थार इस वाली विंटेज कार को खींच पाती है या फिर नहीं। तो इस वाले रिमोट में बटन को टैप करते हैं और भाई यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये वाली रिमोट कंट्रोल थार इस वाली विंटेज कार को आराम से खींच पा रही है। बाकी चलिए इसे दोबारा सही से रख देते हैं और फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये आसानी से इसे कहीं भी लेकर जा पा रही है। तो चलिए एक बार अपनी रिमोट कंट्रोल थार को भी विंटेज कार पर रख के देख लेते हैं और देखते हैं कि ये वाली विंटेज कार इसे आगे लेकर जा पाती है या फिर नहीं। 1, 2 और 3। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली विंटेज कार हमारी रिमोट कंट्रोल थार को आसानी से लेकर कहीं भी जा पा रही है। ताकि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं चलिए करा लेते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर और देख सकते हैं आप सभी लोग एक रस्सी से हमने इन दोनों कारों को बांध दिया है। तो चलिए इस वाले रिमोट में बटन को टैप करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कार होती है विनर। तो चलिए 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग हमारी जो विंटेज कार है वो इस वाली थार को ऊपर उठा देती है। देख सकते हैं आप सभी लोग हमारी थार उठ चुकी है लेकिन विंटेज कार पीछे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग हमारी दोनों कारें ही ज़्यादा पावर लगा रही हैं लेकिन कोई कार एक दूसरे से कम नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग हमारी जो रिमोट कंट्रोल महिंद्रा थार है वो भी बहुत ज़्यादा पावर लगा रही है।